नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पर। और यहां पे आज आपके संदर्भ में मैं जो आया हूं या हमारी जो टीम आई है, पहले भी आप लोग का परिचय हो चुका है कुछ एक हमारे सदस्यों से, आज मैं अपना परिचय दूंगा। परीक्षा आइडिया से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरा नाम रविकांत चतुर्वेदी है। पिछले कई वर्षों से मैं सिविल सेवा और राज्य सिविल सेवाओं के लिए अध्ययनरत हूँ और इसमें काफ़ी मेरा शोध भी रहा इस विषय को लेकर। तो आज यूपीएससी की कुछ एक बातों को आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करूँगा और वो जो भी बातें होंगी वो इतिहास के संदर्भ में मेरे द्वारा की जाएंगी। और ऐतिहासिक संदर्भ में यूपीएससी या राज्य की जो सेवा आयोग हैं उन्होंने किस तरीके के परीक्षा प्रणाली को अपनाया है या किस तरीके का पेपर प्रारूप रहता है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे अपने मंच के माध्यम से। साथ ही हम आपको यह भी विश्वास दिलाएंगे कि जो पूर्व की आपके पास नॉलेज है या जिन संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं उनसे इतर हम आपके साथ क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे जिससे आपको सहूलियत हो आपके परीक्षा को लेकर। तो देखिए, हमने देखा है कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, सामान्यतः पेपर जो होता है तो उसमें लिखा होता है सामान्य अध्ययन, विशेष अध्ययन की बात नहीं करता यूपीएससी, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो कहता है सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन किसका, तो उसमें कोई एक विषय नहीं, कोई एक पार्ट नहीं, बल्कि कई विषय और कई पार्ट हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट जो हम लेके आए हैं तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे या इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। साथ ही इंडियन हिस्ट्री के बाद जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में भी कोई एक पार्ट नहीं है, बल्कि पूरे इतिहास का अगर हम एनालिसिस करें तो हम जानेंगे कि इतिहास बेसिकली तीन भागों से मिलकर बनता है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से। इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्राचीन इतिहास का भी एक पार्ट है, मध्यकाल का भी है और आधुनिक का भी पार्ट है, जिसमें हमने पाया है कि आधुनिक इतिहास का जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इसकी प्रासंगिकता अन्य दो भागों से ज़्यादा दिखाई देती है। आप लोगों ने पेपर देखा होगा, समझा होगा, पूर्व के पेपर जो प्रीवियस ईयर के होंगे उनको समझने का कुछ आपका अपना आइडिया होगा और कुछ हम अपने मंच परीक्षा आइडिया से कुछ आपको आइडिया देंगे कि कैसे इनको समझना है या कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए, हमारी टीम मेंबर से पहले भी आप लोग मिल चुके हैं, ये मोनिका मैम हैं, प्रशांत सर हैं, साथ ही बाल मुकुंद जी जुड़े हुए हैं और अनिल सर हैं, राकेश जी हैं और स्वयं मैं हूँ। मेरा नाम तो आप लोग को परिचित ही है कि मेरा नाम रवि है, रविकांत चतुर्वेदी, और मैं आपसे इतिहास के संदर्भ में थोड़ी बहुत जो भी बातें होंगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतिहास पर आधारित होंगी और उन्हीं के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के आखिर पेपर पूछे गए हैं और इनके आने की आगे संभावना क्या है, किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो ये समझना होगा कि इतिहास बेसिकली इतिहास है क्या। देखिए, जब हम अपने सबसे पुराने ग्रंथों की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद पहला पुस्तक है जहाँ पे इतिहास शब्द की चर्चा की गई है और इसे यहाँ तक मान्यता दी गई कि यह पंचम वेद की तरह है, यानी इतिहास की भूमिका एक जबरदस्त तरीके से अथर्ववेद में बताई गई। दूसरी चीज, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कई भारतीय मनीषी भी इतिहास के संदर्भ में मनन करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हम आधुनिक जो विश्व को देखते हैं या आधुनिक भारत को देखते हैं तो आधुनिक संदर्भ में भी इतिहास की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आती है। कारण उसका यह है कि कहते हैं कि अगर आप अपने भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य शानदार हो तो आपको अपने भूत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भूत के बारे में जब जानकारी होती है तो हम वर्तमान को बेहतर करते हैं और जब वर्तमान बेहतर होता है तो हमारा भविष्य स्वयमेव बेहतर सुनिश्चित होता है। इस क्रम में हमें इतिहास को जानना पड़ता है। लेकिन इतिहास या अतीत, कहें कि अतीत की बीती हुई घटनाएं, अगर सामान्यतः आपसे कोई पूछता है कि इतिहास क्या है तो आप क्या कहते हैं कि अतीत की बीती हुई घटनाएं हैं वही इतिहास है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वाकई अतीत में जितनी बीती हुई घटनाएं हैं क्या इतिहास का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अतीत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारा इतिहास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास जो होता है बेसिकली इतिहास प्रमाण की बैसाखी पे बैठ के चलता है। तथ्य है, तथ्य के साथ प्रमाण है और उस प्रमाण से उसकी सिद्धि हो रही है तो वो इतिहास है। अगर कोई कहानी है, किदवंती है, उसके साथ प्रमाण नहीं होता है इसीलिए वो किदवंती और कहानी होता है।
जैसे ही उस तथ्य के साथ प्रमाण जुड़ जाता है, वो तथ्य प्रमाण की बैसाखी पे अपने आप को बैठा लेता है, वो इतिहास हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि इतिहास और किदवंती के अंतर को समझना, कि हिस्ट्री और किदवंती में क्या अंतर है। फिर चूंकि हमारा संदर्भ एक बड़ा है, यूपीएससी परीक्षा को लेकर है, साथ ही जो संघ लोक सेवा आयोग के अलावा जो राज्य सेवा आयोग हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया को लेकर, इसमें यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, बीपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, या आप हिमाचल या पंजाब की बात करें, यानी कि नॉर्थ पूरे पट्टी की में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इतिहास की जबरदस्त प्रासंगिकता है। हमने देखा है कि जहाँ 100 क्वेश्चन यूपीएससी 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपने पाया होगा कि 100 क्वेश्चन में लगभग 18 से 20 सवाल तक इतिहास के होते हैं, या इतिहास के चार मानकों से जुड़ के आते हैं, या तो प्राचीन भारत से आता है, मध्यकाल का होता है, आधुनिक होता है, और उसमें एक विशेष हिस्सा आर्ट एंड कल्चर का होता है, कला और संस्कृति का होता है। लेकिन समझने वाली बात है कि इतने बड़े सिलेबस को कैसे मिनिमाइज करके पढ़ा जाए ताकि चीज़ें हमें ठीक ठीक समझ आ जाएँ और जो हम पढ़ें हमारी दिशा सही हो, इसी संदर्भ को हम आपके सम्मुख लेके आ रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, एक साल्विन टेम्पल की कहावत है कि मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जो हज़ार कला जानता है, मुझे उस फाइटर से डर लगता है जो एक कला का अभ्यास हज़ार बार करता है। तो देखिए, मैटर जो भी है आपके पास, देखिए इतिहास बदला नहीं जा सकता। बाबर की जगह मैं अकबर को नहीं रख सकता हूँ, या अकबर की जगह मैं जहांगीर को नहीं ला के रख सकता हूँ, या कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक क्रम होता है और उसमें ये जानना होता है कि हमें किस लेवल तक अपने ज्ञान को रखना है। क्योंकि ज्ञान क्या है, एक महासागर है, बहुत बड़ा महासागर, अगर हम ठीक से तैरना नहीं जानेंगे तथ्यों के साथ तो हम हो सकता है डूब जाएं, कोलैप्स कर जाएं, हम असफल हो जाएं। क्योंकि हमारे पास खूब भंडार आ गया, विद्वत्ता आ गई, लेकिन हमने चुनाव नहीं किया, हमने अपने स्टडी में स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। हम अपने मंच से आपको इतिहास के स्मार्ट स्टडी के तरीके को बताएंगे और समझाएंगे कि इतिहास बेसिकली अध्ययन किया कैसे जाता है, किन किन तथ्यों को छोड़ दें तो हमारी तैयारी पूरी हो सकती है, या किन तथ्यों को छोड़ देने के बाद हमारी तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ देना है। यह है स्मार्ट तरीका। अगर आपने ये समझ लिया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आपकी पहली प्री स्टेज की तैयारी हो गई। और चूंकि हमारी बात ऑब्जेक्टिव परीक्षा के संदर्भ में है, प्रीलिम्स परीक्षा के संदर्भ में है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो होती है ना, विश्व की खतरनाक परीक्षाओं में से एक है। कारण क्या है कि चार ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन कुछ ना कुछ कह रहा है, और उसी एक ऑप्शन में आपका उत्तर मौजूद है, लेकिन हमारे पास उत्तर रहते हुए भी हम भ्रमवश, ह्यूमन इरर वश, या अपने अध्ययन की कमी वश, हम उस तथ्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा संस्थान इस चीज़ की आपको पूरी गारंटी देता है कि हम आपके साथ काम करेंगे और आपके भविष्य को सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे। हम बताएंगे आपको कि आखिर किन संदर्भों में या किन किन तथ्यों को लेकर चला जाए तो आपकी परीक्षा की जो पूरी प्रणाली है और साथ ही परीक्षा में जो सफल होने का रेशियो है वो बढ़ जाए। ठीक, अध्ययन तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन इतिहास के अध्ययन में मैं आपको ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा कि आपको किन किन तथ्यों को पकड़ना है। ठीक है, जैसे आपने पेपर देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, इतिहास को समझा होगा, आपने देखा होगा पिछले 20 सालों के पेपर को अगर हम उठा लें तो हमने देखा है कि यूपीएससी हर बार अपने ट्रेंड को चेंज करता रहता है, वो कुछ न कुछ ऐसा करता है जो विगत सालों से थोड़ा अलग होता है, लेकिन उस चीज़ को समझा कैसे जाए। हमने देखा कि एक समय था कि इतिहास में पॉलिटिकल हिस्ट्री खूब पूछी गई, लेकिन अब समय के साथ धीरे धीरे पॉलिटिकल हिस्ट्री को उन्होंने थोड़ा कम कर दिया, उसकी जगह उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को जगह दे दी, उसकी जगह पर उन्होंने इंडियन मूवमेंट को जगह दे दी। यानी कि तथ्य की प्रासंगिकता समय के साथ बदल जाती है और उस प्रासंगिकता को ही आपको सही मायने में समझाना है। मेरा मूल उद्देश्य इतिहास को लेकर यही है। दूसरी चीज, अब जैसे इतिहास, तो मैं कहता हूँ इतिव इतिहास। कई बार ये भारतीय संदर्भों में ये भी आरोप लगा है कि भारतीय लोग इतिहास से परिचित नहीं थे। थे परिचित, इतिहास समझने का, जानने का, लिखने का तरीका अलग था। हम उस तरीके से इतिहास नहीं लिख रहे थे जैसा कि इतिहास के पिता हेरोडोटस की जो पुस्तक है हिस्टोरी का, उस तरीके की है। नहीं, हमारे पास इतिहास है ना पुराणों के संदर्भ में, महाभारत जो एक बड़ा डाइजेस्ट है,
भारतीय इतिहास की वो कुछ इस तरीके से प्रभावित ऐसे प्रेजेंट करता है, उसको कुछ इस तरीके से बताता है, जैसे कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विता इतिवृत्ति कथा युक्तम इतिहास प्रचक्षते, यानी धर्म अर्थ काम इन जो सामाजिक क्रियाकलाप है ना, इन्हीं को सुसज्जित ढंग से कहीं ना कहीं उसमें भी रखा गया है। वही बात जब हम महाभारत से आगे जाएंगे तो पुराण कहता है, पुराण कहता है, जैसे हमें कहे 18 पुराण, एक भी ऐसे पुराण नहीं है, चाहे वो वायु पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, या कोई भी पुराण आप उठा लें, विष्णु पुराण हो, हर एक पुराण का अपना ऐतिहासिक संदर्भ है। वो किसी देवता की कहानी नहीं है, बल्कि राजा राजवंश और उनकी वंशावलियों की कहानी है। वो बताता है कि हमारा इतिहास क्या रहा है। दूसरी चीज समझिएगा कि पुराण का जब अध्ययन करेंगे तो कहेंगे कि सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्त्वाराणिस्य वंशानुचरित चयनम पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग प्रतिसर्ग वंशानुचरित मन्वंतर, ये क्या है? ये इतिहास के ही तो हिस्से हैं, और यही हिस्से तो प्रमाण की बैसाखी बनते हैं। ये इतिहास की प्रमाणिक बैसाखी है, जहां पर इतिहास बैठता है। दूसरी चीज, भारतीय संदर्भ में इतिहास को एक सिस्टमेटिक ढंग से तब देखा गया जब कलहड़ की राजतरंगिणी हमारे सामने आती है। कहते हैं भारतीय इतिहास की पहली मानक पुस्तक जो संस्कृत भाषा में लिखी गई और जिसने विशुद्ध होकर इतिहास की रचना की, और उसमें विद्वान का दावा यह रहा कि सलांग से व विद्वान राग देश बहिष्कृता भूतार्थ कथने यश अस्थे सरस्वती, अर्थात वही विद्वान तारीफ के काबिल है जो राग द्वेष से मुक्त होकर इतिहास की रचना करता है। यानी कि किसी के दबाव के बिना, किसी राजा, किसी शासक, किसी व्यक्ति या खुद की मनोवृत्ति या खुद के पूर्वाग्रह से बिना ग्रसित हुए एक ग्रंथ की रचना करना इतिहास है। इतनी सारी इतिहास की बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कभी भी आप इतिहास का अध्ययन करें तो आप अपनी आसपास की चीज़ों को छोड़ के अध्ययन करें, क्योंकि हमारे संदर्भ में जो हमारा समाज है ना, इसमें दो तरीके का इतिहास प्रचलित है। एक इतिहास जो मौखिक रूप से बनाया जाता है और बिगाड़ा जाता है, और एक इतिहास लिखित इतिहास जो कि प्रमाणों पे ही आधारित होता है। जो पहले वाला है इसकी भरमार है, इसको सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वो मौखिक इतिहास है। वो कुछ भी बना दिया गया, किसी संस्था ने बना दिया, किसी व्यक्ति ने बना दिया, उससे आम जो इतिहास है जो उसका कोई लेना देना नहीं, जो हमें पढ़ना होता है। अब किसी मुद्दे को लेके कोई बोल रहा है, इसमें ये वर्ग तो उन्होंने किया, ये नस्लीय व्यवहार, उनको छोड़ दीजिए, आप इतिहास को इतिहास की तरह देखिए। दूसरी चीज, जब इतिहास को हम समझने जा रहे हैं तो हम यूपीएससी के संदर्भ में पहले जान लें कि इतिहास की क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए, हम देखेंगे कि जो हिस्ट्री है उसमें उसकी प्रासंगिकता और उसके महत्व को यहाँ काफ़ी दिखाया गया है। जो चीज़ें मैं बोला हूं आपके सामने कि लगातार प्रश्नों की भरमार, वो इतिहास को लेकर, खासकर आप पाएंगे कि इतिहास से हर वक्त हर एक परीक्षा में 18 से 20 सवाल यूपीएससी का। दूसरी, जब हम जाते हैं लोक सेवा आयोग के पेपर का एनालिसिस करें, उनके ट्रेंड को चेक करें, तो हम पाते हैं कि वहाँ 150 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ 30, 35, 40 ये संदर्भ हो जा रहा है। तो यानी कि इतिहास की भूमिका दिनों दिन बढ़ी है, राज्य लोक सेवा आयोग में और संघ लोक सेवा आयोग दोनों में ही। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं वो फैक्ट बेस पे आधारित होती हैं, उनमें तथ्यात्मक चीजें ज्यादा ज्यादा पूछी जाती हैं। जबकि जब हम संघ लोक सेवा आयोग के पेपर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पेपर एनालिटिकल होता है, उनमें सामान्य चीज़ें पूछी जाती हैं। आपसे बहुत बड़ी चीज़ की अपेक्षा नहीं की गई है कि आप इतिहास का भरपूर अध्ययन करके आओ, रिसर्च करके आओ, नहीं, उसने कहा है सामान्य अध्ययन, सामान्य पेपर होना चाहिए। वो अपेक्षा करता है कि आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ के आएंगे, और जो भी हम अपने मंच से देंगे आपको, परीक्षा आइडिया के मंच से, तो वो सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। एनसीईआरटी को ही समझना है, चूंकि सरकारी किताब है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट किताब, प्राइवेट नोट्स पर भरोसा ना रखें, क्योंकि परीक्षा सरकार की है और वो अपने तथ्यों को ही सही मानता है। तो इस संदर्भ में हमें स्पष्ट समझ लेना होगा कि हम जो भी तथ्य का चुनाव करें, जो भी पुस्तक का चुनाव करें, वो सरकार और सरकार की चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमने एनसीईआरटी उठा लिया, जैसे हम कुछ सरकारी इतिहासकारों की किताब उठा लिए, जैसे बिपिन चंद्रा हो गए, बिपिन चंद्रा भारत के सरकारी इतिहासकार रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि उनकी पुस्तक से गाहे बगाहे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो भारतीय इतिहासकार जो रहे हैं या जो सरकारी इतिहासकार रहे हैं और जो सरकारी मानक पुस्तकें हैं, अब इंडिया ईयरबुक पढ़ने की क्या आवश्यकता, या आर्थिक सर्वे पढ़ने की क्या आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता है अगर यूपीएससी करना है तो, क्यों? क्योंकि वो सरकारी पुस्तकें हैं, वो सरकारी मानकों पर आधारित हैं और वो जो आंसर आते हैं या जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं से उठाए जाते हैं और उन्हीं उत्तर को मानक माना जाता है जो उसमें संदर्भित किए गए हैं। आप प्राइवेट किताबें पढ़ें या बाहर की चीज़ों को अपने अध्ययन में इन्वॉल्व करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी विकृति है, वो आपको भड़का सकता है, वो आपको मार्ग से कुमार्ग पे ले जा सकता है, सही दिशा नहीं दे सकता। इस संदर्भ में हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख रखा है। जैसे यहाँ बताया गया है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न आधारों पर उम्मीदवारों का परीक्षण करता है, तो उम्मीदवारों का परीक्षण कैसे करेगा? आप जानते हैं कि 3 स्तर की परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है और फिर इंटरव्यू है आपका, यानी कि मौखिक परीक्षा है। तो वहाँ पे 3 संदर्भों में किया जाता है और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी भीड़ है यूपीएससी को लेकर और यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी तगड़े तरीके से है। दूसरी चीज़, आप देखे होंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक विषय आप कर लेंगे तो उससे आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको हर एक विषय को, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें जानना है तो हमें क्या जानना है, हमें हमें जानना होगा कि हिस्ट्री क्या है, हमें यह भी जानना होगा कि ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, साइंस क्या है, करंट का क्या है। तो ये सारी चीज़ मिलकर कहीं ना कहीं आपके अध्ययन या समान अध्ययन के पेपर को बनाते हैं, कोई एक पेपर नहीं बनाता है। इसी संदर्भ में इसको समझना होगा कि हर एक विषय को हमें अपना एक सही दिशा देनी होगी, एक सुसज्जित दिशा देनी होगी, ठीक है? तो उस चीज़ को आप समझिएगा कि सही दिशा कैसे दिया जाए। सही दिशा देने के लिए आप हमारे मन से जुड़े, हम बताएंगे कि आपका जो वास्तविक तरीका है या स्मार्ट तरीका है स्टडी का, वो क्या होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, आप ये समझेंगे कि यहाँ हम आते हैं तो देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बाय टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री 6, मेडिवल 5, आर्ट एंड कल्चर 2 और एंशियंट इंडिया 3, यानी हम देखिए 6, 5, 11 और 11 के बाद ये 2, 13, 13 और 3, 16, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 16 सवाल अकेले इतिहास से है। 100 क्वेश्चन में आपके पास पेपर कितने का होता है? 100 क्वेश्चन का होता है, तो 100 क्वेश्चन में 16 सवाल बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और ये 1 साल का एनालिसिस है। इसी तरीके से आप पिछले 10 सालों का एनालिसिस करके देखें, आप पाएंगे कि चीज़ें किस तरीके से बदली हैं। साथ ही हमने कहा 4 पार्ट, देखिए 4 पार्ट क्या है, 1 पार्ट मॉडर्न इंडिया, मिडवल, आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट, ये 4 पार्ट है। ये इतिहास अकेले कवर करता है, इसके लिए आप मानक पुस्तक के रूप में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, साथ ही आप हमारे मंच से जुड़ सकते हैं, हमारे जो भी विषय के आपके जो भी एक्सपर्ट हैं वो आपको सही और उचित सलाह देंगे, बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से आपकी तैयारी हो ताकि वो संतुलित तैयारी हो और कम समय में हो जाए। इसीलिए आप चुनाव हमारा कर सकते हैं, आप हमारे मन से जुड़ सकते हैं और बेशक जुड़ना भी चाहिए आपको, क्योंकि हम इतने दावे कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी खुद की भी मेहनत है। हम आपके साथ साथ रन करेंगे, आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है थोड़ी सुगम हो जाए, क्योंकि तैयारी का जो रास्ता है बेसिकली है दुर्गम, लेकिन इसको सुगम बना सकते हैं। इनमें हम जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकाल है या आधुनिक भारत का इतिहास है, साथ ही आर्ट एंड कल्चर की जो स्थिति है उसमें हम बताएंगे आपको कि किन किन चैप्टरों पे हम अत्यधिक बात करेंगे या किन किन चैप्टर से हम ज़्यादा जोड़ देंगे। कारण यह है कि इसके लिए जैसे पीटी की परीक्षा है, तो पीटी की परीक्षा में सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है कि विगत वर्ष, यानी कि विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रश्न आए हैं, उनकी प्रकृति किस तरीके की है। जो विगत प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, तो उसको ध्यान रखिएगा कि विगत वर्षों में जो पूछे गए जो प्रश्न हैं उनकी प्रकृति किस तरीके की है, क्या है उनका ट्रेंड, क्या है वह किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, उसी के आधार पर हम अपनी परीक्षा का आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उन्हीं तथ्यों उन्हीं चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। साथ ही अब हमारी बात आपसे हो रही थी इतिहास के संदर्भ में, तो इतिहास के संदर्भ में यहाँ देखें 2011, 12, 13, 14, 15 यानी कि 21 तक के पेपर को हमने यहाँ रखा है। साथ ही जो ये कलर है हमने दिया है हिस्ट्री के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इसकी मात्रा प्रत्येक वर्ष क्या रही है। हम पाते हैं कि ये दिनों दिन क्या होता है, ये दिनों दिन बढ़ता गया है, ये घटा नहीं है।
बल्कि इसकी महत्ता दिनों दिन बढ़ रही है और ये पेपर का एक मुख्य हिस्से के रूप में है। मुख्य हिस्सा साथ ही बड़ा सिलेबस, चार भागों में बटा हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ कि इतने ज़्यादा तथ्य हैं इतिहास में कि इन तथ्यों का चुनाव करना कि कौन से तथ्य परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और किन तथ्यों को छोड़कर हम आगे परीक्षा भवन में जा सकते हैं। इसके लिए आपको, जैसे आपकी तैयारी है तो तैयारी किस संदर्भ में होनी चाहिए। तैयारी हम पुस्तक पढ़ लेते हैं तो हम सोचते हैं हमने तैयारी कर लिया, नहीं, तैयारी ये नहीं है। आपको पहले किताबों को पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर अपनी तैयारी को भी आपको जांचना होता है। जांचेंगे कैसे, तो आप टेस्ट पेपर दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। कारण ये है, मेंस के लिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज बर्बाद करें, जितना ज़्यादा लिख सकें वो होता है, लेकिन पीटी के लिए क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन से गुजरें, उसको लिखें, उसको समझें, देखें कि किस तरीके का पेपर है, हमारा उत्तर देने का तरीका क्या है, इन्होंने पूछा है। और साथ ही आप यह भी देख रहे हैं कि यूपीएससी लगातार या कोई भी कमीशन विगत कुछ सालों से, पहले तो ये चलन नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों से हमने पाया कि ये आंसर शीट जारी करता है। तो आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया वो क्यों माना गया, चूँकि इतिहास में बड़ी भ्रामक स्थितियाँ भी हैं। हमने पाया है कि इतिहास में कई भ्रामक चीज़ें हैं, यानी कि एक ही तथ्य पे दो लोगों का डिबेट, यानी कि यहाँ खंडन और मंडन की प्रक्रिया भी चलती है। तथ्यों के साथ कुछ नए शोध होते हैं और उन शोधों से जो तथ्य होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो जो नवीन तथ्य हैं उनको भी आपके अंतर्गत है, यानी हम अपने सिलेबस में रखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे उन संदर्भों में भी जो इतिहास को लेकर ज़्यादा प्रासंगिक हैं, या कह सकते हैं कि जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, इस बारे में ये आप देख चुके होंगे कि ये क्या है। दूसरी चीज़, अब हमारी जो फैकल्टी है एक लक्ष्य बैच लेके आ रही है, एक टारगेटेड बैच है। हमारा यही मानना है कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसे हिट कर दीजिए। तो देखिए, इस चीज़ के लिए हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ लगेगी, आपके साथ हम जुड़ेंगे और पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ जुड़ेंगे। दूसरी चीज़, हिस्ट्री के लिए जो मैं काम करूंगा आपके साथ, इसमें मैंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा लेबर वाला काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना है, हमें काम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट तरीके का करना है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि स्मार्ट तरीके से अपनी चीज़ों को रखें और अपने तथ्यों को समझें। ठीक है, उसके लिए बेसबुक के रूप में मैं सिर्फ और सिर्फ अपील करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी अधिक से अधिक पढ़ें, तो आप पाएंगे कि आप परीक्षा के ज़्यादा नियर जा रहे हैं, अपने उत्तर के ज़्यादा नियर जा रहे हैं, पास होने के ज़्यादा करीब जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इतिहास के बारे में, तो थोड़ी सी इतिहास की और बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन है क्या इतिहास का। पहला सवाल ये उठता है कि इतिहास है क्या, तो हमने बताया कि इतिवृत्ति कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते, यानी कि बीती हुई कहानियों का जो एक संग्रह है वो इतिहास है। लेकिन हमने आधुनिक संदर्भ में कहा कि बीती हुई कहानियाँ सारी नहीं, बल्कि जो प्रमाण की बैसाखी पे बैठी हों या जो अपने आप को प्रमाण से सिद्ध करती हों। जैसे जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इस इतिहास के अध्ययन के लिए हमने स्रोतों का इस्तेमाल किया, यानी कि हमने बात की कि कोई एक स्रोत नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि इतिहास को समझने में साहित्यिक स्रोतों की भूमिका है। फिर हम जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, पुरातात्विक स्रोतों की भी चर्चा है, जिसमें हम स्मारक, जिसमें हम अभिलेख, जिसमें हम सिक्के, इनको शामिल कर लेते हैं। साथ ही तीसरे पे आते हैं तो हम कहते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, क्योंकि भारत शुरू से ही, या देखेंगे कि भारत को प्राचीन समय में कहा गया कि सोने की चिड़िया है। साथ ही व्यापारिक व्यवस्थाओं को देखें, सांस्कृतिक प्रसार को देखें, तो हम पाते हैं कि भारत आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल में भी क्या एक संस्कृति के केंद्र के रूप में रहा है और भारत ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो हम समझेंगे यहाँ पर कि अगर ये प्रभावित कर रहा है या किया है, तो उससे सिर्फ भारत ने नहीं किया होगा, भारत भी लोगों से प्रभावित रहा होगा। उस संदर्भ में हम पाएंगे कि कुछ एक विदेशी यात्री भारत में आते गए। जैसे हम इन्हें तीन भाग में बांटते हैं, यूनानी यात्री कह दें, चीनी यात्री कह दें और अरबी यात्री कह दें। खासकर यूनानी, चीनी और अरबी, इन तीन यात्रियों के संदर्भ में हम देखते हैं कि विदेशी विवरण हमें प्राप्त होते हैं। अब सवाल उठता है, यूनानी यात्री, हम कहेंगे सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ एक विद्वान सिकंदर के साथ थे, जैसे नियारकस जी, जैसे अरिस्टबल्स, जैसे प्लिनी, ये कौन है? ये यूनानी विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय संदर्भ में अपनी पुस्तकों को लिखा और भारतीय इतिहास को सुसज्जित करने में इनका सहारा लिया गया। कई बार पूछ लेता है सीधा, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री का किसकी लिखी हुई पुस्तक है, या मेगास्थनिस की इंडिका
पूछ चुका है, कई बार पूछ लेता है। मेगास्थनीज के द्वारा जो वर्णन किया गया पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में, उसके बारे में कई बार पूछा कि पाटलिपुत्र प्रशासन की चर्चा किसने की, या सामान्यतः अलबरूनी की लिखी हुई पुस्तक एक अरबी यात्री, तहकीके हिंद, पहला मुसलमान जिसने भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया, पहला मुसलमान जो भारतीय ज्योतिष वेद वेदांगों से प्रभावित दिखाई देता है, मध्यकाल की घटना। उसी तरीके से जैसे पुरातात्विक, तो अभिलेखों की बात कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है, या अशोक के द्वारा जो लिखे गए जो शिलालेख हैं वो क्या हैं। तो हम इतिहास को किसी एक मानक पे लेके नहीं चलते, बल्कि हम इतिहास का निर्माण साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, इन तीनों को क्या करते हैं, एक साथ एक तथ्य पे कसते हैं और उसके बाद हम इतिहास का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज हम कहते हैं ना कि देखिए, एक बुद्ध का सिद्धांत है कि वीणा के तार को इतना ज़्यादा खींचा ना जाए कि बजाएं और टूट जाए, और इतना ढीला ना छोड़ा जाए कि बजाएं आवाज़ ही ना आए। मध्यम मार्ग का प्रचलन, आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है मध्यम मार्गीय होना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उखड़ के भी ना चलें और बहुत ज़्यादा उसे छोड़ के भी ना चलें, यानी पूरी तरीके से पकड़ी हुई व्यवस्था, एक सामान्य व्यवस्था, एक रूटीन वाली व्यवस्था, और साथ ही हमारा और हमारी टीम का सहयोग आपके साथ होगा, और विश्वास कर दिलाता हूँ कि हम आपके साथ बेहतर कार्य करेंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में, हम सेकंड क्लास में आपको भारतीय इतिहास के सिलेबस की चर्चा करेंगे। वर्तमान में आज की जो चीज़ें हैं हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि आखिर इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में इसको कैसे पढ़ना है, या इतिहास को सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से किन किन तथ्यों पर ज़्यादा बल देना है, और साथ ही हम समझेंगे कि किन किन क्षेत्रों से इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हम क्यों गांधी के मूवमेंट को ज़्यादा तवज्जो दें, या हम क्यों 1905 से 1947 तक की घटना को ज़्यादा तवज्जो दें, कारण यह है वहाँ से सवाल बार बार पूछे गए हैं। हम क्यों प्राचीन भारत में आर्ट एंड कल्चर की बात करें, हम देखते हैं कि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इंसान पूरी दुनिया एक बर्बर जीवन जी रही थी, भारत के लोग एक सभ्य जीवन में प्रवेश कर चुके थे, एक शहरी व्यवस्था, तो उसकी कला संस्कृति स्थापत्य क्या है, उसने वहाँ की पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ा है, वहाँ के कला स्थापत्य को रखा है, वैदिक काल में साहित्य को रखा है, उन्होंने गंगा घाटी में हुए 62 संप्रदायों का उदय, जिसमें दो धर्म बौद्ध और जैन, जो कि दो नास्तिक संप्रदाय के रूप में जाने गए, इनके धार्मिक सिद्धांतों को रखा गया है। चूंकि आप पूरे वर्ल्ड को घूम लीजिए तो दुनिया सिर्फ भारत में या भारत को दो ही संदर्भों में जाना जाता है, एक बुद्ध एक गांधी। अब कहीं भी जाइए आपको एक चीज़ मिलेगा कॉमन, कि बुद्ध और गांधी दोनों से लोग परिचित हैं और दोनों में एक चीज़ कॉमन है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो अहिंसा पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार की तरह है। चमत्कार क्यों? क्योंकि जहाँ भूखमरी, कुपोषण, ऊर्जा की लड़ाई या ऊर्जा का युद्ध, वहाँ पर अहिंसा जैसी एक मानक चीज़ जो कि इन सब को शांत करती हुई नज़र आती है या इन सब से परे होकर बात करती है। तो ये नॉन वायलेंस या अहिंसा पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि आपके सिलेबस में गांधी या बुद्ध ज़्यादा प्रासंगिक है। मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी कि जो हमारा अध्ययन है वो अध्ययन वर्तमान परीक्षा की उपयोगिता और प्रासंगिकता को देखते हुए किया जाएगा। हम बहुत सारी चीज़ों को, हम आपको विद्वान नहीं बनाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। हाँ, प्रशासक बनाएंगे, इस चीज़ की भी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। दूसरी चीज़, जो सेकंड में क्लास लेके आ रहा हूँ, तो उसमें आपको इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ आए हुए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक मूल्यवान समय देने के लिए। नमस्कार।